भैया बस यहाँ पे एक मिनट रुकना, तान्या चल जा भाई। अच्छा हाँ सुन, ट्यूशन खत्म होते ही सीधे घर भी चाहिए मुझे, तू नो टाइम पास बीच में। हाँ मम्मा, इतनी स्टूपिड क्लासेस भी ना। अरे रोटी क्या है, आज तो सिर्फ फर्स्ट डे है। चल जा, बाय मम्मा। बाय बाय बेटा, चलो भैया। क्या देख रहे हो भैया? कुछ बोल रही हूँ मैं, चलो अभी। हाँ हाँ, आप और बाबा बात क्यों नहीं करते? पहले तो रोज मिलते थे ना, लेकिन अब देखो कोई बात नहीं है, ऐसी बड़ों में अक्सर ऐसी छोटी मोटी बातें होती रहती है ना, तो टेंशन मत ले, सब ठीक हो जाएगा, ठीक है? बस भैया यहीं पे रुक दो, बस बस ये लो भैया। हेलो, सर हमेशा साथ ही आते हैं और रिक्शा भी वहीं रुकाते हैं, उसके बाद मैं अपने घर चली गई, मेघा भी अपने घर गई होगी ना। अरे गई होगी, अरे तूने देखा कि नहीं वो गई कहाँ गई? नहीं मतलब बाय बोल के घर की तरफ ही मुड़ी थी, तो मैं उसके बाद अपने घर चली गई ना, मतलब मुझे कैसे पता अभी? वो कुछ परेशान थी या फिर गुस्से में या कुछ भी डिफरेंट? नहीं नॉर्मली थी। हो सकता है वो कहीं और गई हो, कोई फॉलो वॉलो कर रहा था उसे? सर कहीं और क्यों जाएगी, और फॉलो वॉलो नहीं कर रहा था कोई। आप लोगों से कुछ कहा था उसने, किसी दोस्त के यहाँ गई हो या फिर कहीं और जाने का प्लान? अरे सर हमने उसके सारे दोस्तों अपने सारे रिश्तेदारों को फोन कर देख लिया, कहीं नहीं है। आप लोग घर कुछ झगड़ा हुआ था? आई मीन आपने उसे डांटा वाटा? अक्सर इस उम्र में बच्चे घर से भाग जाते हैं। नहीं सर, समझदार है हमारी बेटी और वो हमेशा खुश रहती, क्यों भागेगी वो घर से? रिक्शा, आप रिक्शे से उतरी थी राइट? हाँ सर। सर वो रिक्शे वाला थोड़ा अजीब सा था, जब तानिया भी उतरी थी रिक्शे से तो उसे भी घूर रहा था। बाय तानिया। बाय बाय बेटा, चलो भैया। क्या देख रहे हो भैया, ध्यान किधर है? मैंने खुद टोका था उसे। आपको उस रिक्शे वाले की शक्ल याद है, मतलब ऐसा कुछ जिससे हम उसे आइडेंटिफाई कर सके? कुछ भी, रिक्शे का नंबर या कुछ और, दिमाग पे जोर डालिए और जैसे याद आए हमें बताइए। कमले ऑर्डर ही देना था सर। रेडीज बढ़ाओ, ये टाइम बहुत क्रूशियल है, और अगर आपको कोई भी कॉल आता है फिरौती के लिए या किसी भी तरह हमें इन्फॉर्म कीजिए। जी सर। चलो सर। कमले मेघा का फोटो सारे पुलिस स्टेशन और आसपास की बीट चौकीज में सर्कुलेट करो। कौन सी हेल्प, कैसी हेल्प? देख रहा हूँ मेरी कितनी हेल्प कर रही है तू। तेरे सामने कहीं वो चली गई और तू देखते कैसे रह गई है? ऐसे बोलो जैसे मैं वही थी उस टाइम पे। छोड़ना सुरभि, किससे बात कर रही है तू? अरे ये तो खुद। क्या खुद दादा? दादा दोष लगाना ना बहुत आसान है, मेरी तकलीफ समझने की कोशिश की है कभी? एक तो मैं खुद यहाँ पे आकर के हेल्प करने की। अरे हेल्प जा रहे, तू नहीं चाहिए तेरी हेल्प। और ये जो कर रही है ना नाटक यहाँ आके, ये तकलीफ हो रही है, मेघा को गई ये वो, बता दे रहा हूँ बंद कर दे। चल सुन, चल ना। जाएगी बेटी, ढूंढ रहे ना पुलिस, ढूंढ रहे मामा, ढूंढ रहे ना मेघो को। हाँ
ये मेघा और चित्रा यहीं आसपास रहते हैं, आप जानते हैं उन्हें? हाँ साहिब, रोज इधर से गुजरते हैं। आज शाम को भी गुजरे, ऑटो से उतरे और चले गए। मैं भी निकल गया। उस ऑटो ड्राइवर के बारे में कुछ बता सकते हो? मैं राउंड मार के आया तो मैंने देखा कि ऑटो वाला ऑटो में नहीं है, तो मैंने उसे इधर उधर देखा, तो वो जिधर चित्रा और मेघा जी गए थे उधर से वापस आ रहा है। ए, तुम्हारा है? हाँ। इधर खड़े करने का नहीं, चलो निकलो। हाँ हाँ जा रहा हूँ बाबा, चिल्ला क्यों रहा है? राउंड खत्म करके आप कितनी देर बाद वापस आए? यही साहब कोई 5 मिनट में। थोड़ा हल्का हो गया था। बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेजो और आसपास देखो कुछ मिलता है क्या। लालच, हवस, ईर्ष्या, क्रोध, ये सब अपराध के कारण नहीं है बल्कि ये मनोदशाएं हैं। इंसान को अपराधी बनाने के कारण है उसके जज्बात, जो कहीं ज्यादा जटिल और गहरे होते हैं। जटिल भावनाओं से जूझता हुआ इंसान इन जज्बातों में और उलझता जाता है, औरों से उसके संबंधों में पेचीदगियां बढ़ने लगती है। लेकिन वो ऐसी कौन सी जटिल भावनाएं थी जो मेघा की मौत का कारण बने? क्यों मेघा के माता पिता की आंखों में चित्रा यानी कि मेघा की अपनी बुआ के प्रति रोष दिखाई दिया? सिर्फ एक रिक्शा वाले के बुरे इरादे या कोई और भयानक सच? क्या कारण था इस हत्याकांड के पीछे? आप लोगों को किसी पर शक है? कोई दुश्मनी? नहीं साहब, कहां दुश्मनी करेंगे हम लोग, छोटा सा परिवार है हमारा, अपने में ही रहते हैं हम। मामू, जिसने भी मेघू के साथ ये सब कुछ किया है ना, हम उसे पकड़ लेंगे। बेटा, बेटा तुम्हें उस ऑटो वाले की शक्ल याद है? नहीं सर, वो मुझे याद नहीं। सर, मुझे वो ऑटो का स्टिकर, वो स्टिकर मुझे याद है सर, उसका मैं स्केच बनवा सकती हूँ। अब पुलिस के पास सबूत के तौर पर सिर्फ एक स्टिकर का स्केच था। पुलिस ने उस रिक्शा वाले को पकड़ने के लिए अपने सारे खबरी नेटवर्क को एक्टिवेट कर दिया था और आखिरकार उन्हें कामयाबी मिली। मैंने कुछ नहीं किया, मैं सिर्फ वो औरत और लड़की को वहां छोड़ा, फिर निकल गया। झूठ बोलता है। वॉचमैन ने खुद बताया हमें कि उनको छोड़ने के बाद भी तू वहीं पे घूम रहा था। क्या कर रहा था? बॉडी को चिकाने लगा रहा था। नहीं साहब, मैं वो टॉयलेट करने गया था, बाजू में ही है। सर इसका बोल रहा है, मेघा और चित्रा को ड्रॉप करने के बाद ये सीधे घर गया, आसपास कहीं भी नहीं रुका। इसके घर की तलाशी लो, देखो मेघा से कनेक्टेड कुछ मिलता है क्या। सर मेघा की पोस्टमार्टम रिपोर्ट। ठीक सर, पर किसी भारी चीज से वार, स्मूथ मेटल ऑब्जेक्ट, मतलब मारकर डंप किया गया। सर रेप? नो फिजिकल अब्यूज, और टाइम ऑफ डेथ है 6:45 के बीच। जहां मेघा की डेड बॉडी मिली वो जगह वहां से काफी दूर है जहां वो रिक्शे से उतरी थी, और वॉचमैन के बयान के मुताबिक रिक्शे वाला 5 मिनट में वापस आ गया था। तो 5 मिनट में उस जगह पर पहुंचकर मेघा का मर्डर करना और लाश को गटर में डालना, ये पॉसिबल नहीं है। तो सर अगर रिक्शा वाले ने मर्डर नहीं किया होगा तो फिर वो कौन था? शायद कोई पर्सनल दुश्मन, मतलब मर्डरर ने मेघा के रिक्शा से उतरने और घर के बीच में उसे अपडेट किया, किसी एक पॉइंट पर उसका मर्डर किया और फिर घसीट कर उसकी बॉडी को डंप किया। सर एक और पॉसिबिलिटी हो सकती है, मेघा मर्डर को अच्छी तरह जानती हो, वो खुद उसके पास गई। कमले, एडिशनल सस्पेक्ट्स की स्क्रूटनी करते हैं। शुरुआत करेंगे मेघा की बुआ चित्रा से, क्योंकि मेघा सबसे आखिर में उससे ही मिली थी और पंकज और उसके बीच जो कहासुनी हुई थी। जा रहे, तू नहीं चाहिए तेरी हेल्प, और ये जो कर रही है नाटक यहाँ आके, बता दे रहा हूँ बंद कर दे। भाई बहन के बीच कुछ तो गड़बड़। अरे नहीं सर, मुझे चित्रा पर शक नहीं है, मुझे नहीं लगता कि चित्रा नहीं। मुझे चित्रा पर शक है। सुद्धि काहे फुकट को? क्यों नहीं सर, वो हमेशा हमसे जलती। क्यों? इनके बाबा वकील थे, उनके पीछे दोनों बच्चे वकील बने, उनकी प्रैक्टिस चली लेकिन उसका ठप हो गई सर, इसलिए वो हमसे जलती है। खुद तो ट्यूशन दे के कमाती, अधूरी फैमिली, अकेली तानिया को बड़ा कर रही,
लेकिन वो भी उसे ठीक से संभाली नहीं जा रही। सब मैंने देख, कभी कभी तो उसे स्कूल से पिक करना ही भूल जाती थी, उसे पैसे देना भी भूल जाती थी। सब कुछ मैनेज नहीं होता था उससे, और ऊपर से वो उसका वो नया विल का प्रॉब्लम। विल का क्या प्रॉब्लम? दरअसल बाबा ने मरने से पहले एक नया विल तैयार किया, मेरे और चित्रा के सामने कोई था ही नहीं, तो उन्होंने सारी प्रॉपर्टी मेहू के नाम पे छोड़ दी। कहीं ना कहीं वजह यह भी हो सकती है कि तान्या एडॉप्टेड थी। सर उसने मेघा को, पूरे घर की तलाशी लो, एक एक कोना छान मारो। सर सर ये सब किस लिए? सर्च वारंट है हमारे पास। लेकिन सर मैंने क्या किया है, क्या जरूरत है इसकी? कुछ और जो उस दिन के बारे में बता सकती हूँ या भूल गई हो बताना। सर जो भी हुआ था मैंने आपको एग्जैक्टली बताया है। कुछ मिला? कोई वेपन नहीं मिला, लेकिन दवाइयाँ मिली। दवाइयाँ? मुझे स्ट्रेस बहुत ज्यादा होता है इसलिए लेती हूँ। आपकी बेटी ताने बुलाइए। ये बताओ जब आप ट्यूशन से वापस आए तो मम्मी घर पे थी? हाँ। और मम्मी का मूड कैसा था? मम्मी गुस्से में थी या डरी हुई थी? मम्मा सैड थी क्योंकि तब मेघा मिसिंग थी, फिर मैं जब घर पर आई तब मम्मा ने मुझे बताया। और मम्मा पूरे समय घर में ही थी, कहीं भी नहीं गई बाहर दो मिनट के लिए भी? नहीं, मम्मा मेरे साथ ही थी। फिर हमें जब मेघा के बारे में पता चला तब हम दोनों वहाँ आए, तब मैंने आपको स्टिकर के बारे में बताया। गुड, थैंक यू। सर ये चित्रा हमेशा डरी डरी लगती है, डे वन से मानो कुछ छुपा रही हो। सर हो सकता है कि तानिया से इसने सारे जवाब रटवाए हों। 5'4" क्या सर? पोस्टमार्टम रिपोर्ट के हिसाब से मेघा की हाइट है 5'4" और चित्रा की इससे थोड़ी कमी होगी, ऊपर से उसकी दवाइयाँ चल रही हैं स्ट्रेस वगैरह की। अब ऐसी हालत में मेघा के सर पे इतनी जोर से वार करके उसे मारना, फिर बॉडी को घसीट कर फेंकना, मुझे नहीं लगता है चित्रा का अकेले का काम। सर हो सकता है कि इस काम में चित्रा का किसी ने साथ दिया, या फिर ये काम चित्रा ने किसी और से करवाया। इस चित्रा की सारी इन्फॉर्मेशन निकलवा, फोन रिकॉर्ड्स वगैरह। राइट सर। आजकल के जमाने में अकेले बच्चे को बड़ा करना बड़ा मुश्किल हो रहा होगा साहब उसके लिए। अच्छा है, चित्रा एज अ टीचर कैसी? वो टीचर वैसी अच्छी है साहब, पर कभी कभी ना उसका बिहेव अजीब होता है। एक बार उनका मूड खराब था, मेरी बेटी को डांट दिया, डरा दिया उसे। सर पागल औरत है वो, पागल। बड़ी मेहनती है वो, और वो जयंत वो तो एकदम यूजलेस आदमी है साहब। कौन जयंत? उसका एक्स हस्बैंड। सर प्यार करता था इसीलिए उसकी कमियां दिखाई नहीं थी, पता नहीं कितना उसका बैड लक था और कितनी उसकी खुद की गलती है। सर हमेशा कोई ना कोई प्रॉब्लम, और रिकॉर्ड भी, सिर्फ माँ है इसके लिए उसे कस्टडी। सर मैं जानता हूँ कि मैं तान्या को कितने अच्छे से बड़ा कर सकता हूँ, उसका ध्यान रख सकता, लेकिन नहीं, ईगो पर आ गया उसके साथ, नहीं आने देगी तान्या को मेरे पास। सर ये जैन शायद ना बताया आपको, लेकिन वो चित्रा बहुत बड़ी ड्रामा क्वीन है, अटेंशन चाहिए बस उसे, वो कुछ ना कुछ ऐसा करती रहती है जिससे सबका ध्यान खींचे उसकी तरफ। आप कौन? सर ये मेरी बीवी रोशनी, चित्रा से डिवोर्स के बाद मैंने दूसरी शादी कर ली। सर जैन तो उसके लिए कुछ भी कर सकता है, बुरा तो उस तान्या के लिए लगता है, एक तो माँ बीमार, ऊपर से झेलना भी उसे ही पड़ता है। सर कई बार मैंने खुद चित्रा को दवाइयाँ लेते हुए देखा है। सर ये रही चित्रा की मेडिकल रिपोर्ट, जो दवाइयाँ वो लेती थी वो कोई नॉर्मल दवाई नहीं, बल्कि एंजाइटी और डिप्रेशन के काफी स्ट्रॉन्ग डोजेज। शायद इसलिए इतना डरी रहती है, इन बीमारियों के चलते उसे दूसरों की बजाय अपने से ज्यादा खतरा है। जी सर, सबसे इंपॉर्टेंट चीज चित्रा के फोन ट्रायंगुलेशन रिकॉर्ड। सर इस रिकॉर्ड के हिसाब से चित्रा ने हमसे झूठ बोला। सर वो ऑटो से उतर कर घर तो गई थी, लेकिन वहाँ ज्यादा देर नहीं रुकी, उसका फोन लगातार उस एरिया में लोकेट हो रहा था, और सर उस जगह पे भी जहाँ हमें मेघा की लाश मिली। सर सर मम्मा मिसिंग है, वो बाहर गई थी पर अब तक घर नहीं लौटी, उनका फोन भी नहीं आया, मैंने खुद ने ट्राई किया था पर फोन बस रिंग हो रहा है, मुझे बहुत डर लग रहा है सर। कुछ मिला? नहीं सर, पड़ोसी आसपास फेरी वालों सभी से पूछताछ की, लेकिन किसी ने चित्रा को कहीं नहीं देखा। तान्या तुम हमारे साथ भी तो रह सकती हो ना, और पापा भी तो होंगे। पर वहाँ मेरी मम्मा तो नहीं होगी ना। तान्या तुम हमारे साथ भी रह सकती हो बेटा। मैं नहीं जाऊंगी। ठीक है तो फिर मैं जाती हूँ, तुम तान्या के साथ रहो, रात का खाना लेके आऊंगी मैं।
रोशनी थैंक यू। चित्रा की कोई खबर? किसी ने कुछ कांटेक्ट करने की कोशिश की उसकी तरफ? नो सर। सर आप प्लीज मेरी मम्मा को ढूंढ लेंगे प्लीज? बेटा हम पूरी कोशिश कर रहे हैं, बहुत जल्दी आपकी मम्मी को ढूंढ लेंगे। ओके कुछ नहीं होगा मामा। सर ये रहे चित्रा के लेटेस्ट फोन रिकॉर्ड्स। सर रिकॉर्ड के मुताबिक चित्रा ने आखिरी बार अपने भाई पंकज से बात की। और कुछ? कोई अननोन नंबर? नहीं सर, नॉर्मली स्टूडेंट से बात की है और कभी कभार जैन से। इनफैक्ट मेघा की मौत के बाद चित्रा ने पंकज और सुरभि से बहुत कम बात की। कामड़े व्हाट इफ मेघा की डेथ से चित्रा का कुछ लेना देना है ही नहीं और उसका गायब होना अपने आप में एक अलग मामला है। पंकज और सुरभि अगर उन्हें पूरा यकीन है कि मेघा के मरने में चित्रा का हाथ तो बदला लेने के लिए वो कुछ भी कर सकते। फिर जयंत और रोशनी जिन्हें चित्रा के गायब होने से तानिया की कस्टडी मिल जाएगी। जी चित्रा से उस दिन बात हुई थी मेरी। किस बारे में? तानिया के लिए। अब मेघा तो रही नहीं तो सुरभि ने और मैंने डिसाइड किया था कि जो भी कुछ मेघा के नाम था प्रॉपर्टी वगैरह वगैरह वो सब तानिया के नाम कर देंगे। कल तक तो तुम्हें चित्रा पर बहुत गुस्सा था, अब ऐसा क्या हुआ? सर गुस्सा अभी भी है लेकिन चित्रा पर, तानिया पर नहीं। सर एडॉप्टेड है तो क्या हुआ, है तो हमारी घर की ना। सर मुझे चित्रा को गायब करके क्या मिलेगा? तानिया की कस्टडी। लेकिन तानिया की कस्टडी के लिए मैं चित्रा को नुकसान थोड़ी पहुंचाऊंगा। सर तानिया चित्रा से बहुत अटैच थी, उसकी खुशी छीनना मैं सोच भी नहीं सकता। जयंत तानिया और चित्रा की लाइफ में काफी इन्वॉल्व। चित्रा के रोज रोज के नए ड्रामे, जयंत को इन्वॉल्व होना ही पड़ता है। तो कहीं ऐसा तो नहीं है कि जयंत को रोज रोज के नए ड्रामों से छुटकारा दिलाने के लिए चित्रा को आपने ही गायब करवाया? सर मैं अगर ऐसी औरत होती तो कब का चित्रा और जयंत के कॉन्टेक्ट तोड़ चुकी होती मैं। चित्रा के बारे में सबकी राय अलग थी पर क्या थी चित्रा की सच्चाई? अकेली माओ के प्रति समाज की उपेक्षा से जूझती एक महिला, मनोवैज्ञानिक मुश्किलों से पीड़ित एक मरीज या फिर मेघा की बेरहम कातिल? क्या चित्रा की गुमशुदगी का मेघा की हत्या से वाकई कोई ताल्लुक था? बहरहाल चित्रा की गुमशुदगी से एक व्यक्ति की जिंदगी तहस नहस होती हुई दिखाई दे रही थी और वो थी उसकी बेटी तान्या की। बेटा हम आपकी मम्मी को ही ढूंढ रहे लेकिन आप ऐसे बिना किसी को बताए कहीं भी नहीं जा सकते। सॉरी सर, जैन को कॉल किया था वो आ रहा है। सर आप प्लीज मेरी मम्मा को जल्दी ढूंढ दीजिए, वो बहुत जल्दी डर जाती है, उन्हें वो एंजाइटी अटैक आता है। और जिस रात मेघा की डेथ हुई उस रात भी उन्हें वो अटैक आया था। एक मिनट, जब मेघा की डेथ हुई थी उस दिन क्या हुआ था, ठीक से याद करके बताओ। उस रात मामा मामा तू ठीक है ना? मामा रुक मैं दवाई लेके आती हूं। तनु तनु रुक तू 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 यहीं रुक, तू अलर्ट हो जाना। तनु मुझे मेघा के साथ हुआ वो शायद तेरे तो अलग था, मुझे डर लग रहा है। लेकिन तू नहीं डरना, मैं बस यही बात मम्मा बार बार बोल रही थी। तान्या अरे तू ठीक है ना? चल आप इसे घर ले जाइए, चित्रा के बारे में कुछ भी पता चलेगा तो आपको बता देंगे। थैंक यू सर। अच्छा बेटा पुलिस ने क्या पूछा तुमसे? वही सब, मम्मा का मूड, फिर वो एंजाइटी अटैक। मेरे बारे में कुछ पूछ रहे थे वे? पापा मम्मा ठीक तो है ना? हाँ बेटा। मेघा की भयानक हत्या, शक के दायरे में घिरी चित्रा का अचानक गायब हो जाना, मां की चिंता में बेहाल तान्या, जयंत, रोशनी, चित्रा और तान्या के बीच के पेचीदा रिश्ते। एक तरफ ये केस दिन ब दिन जटिल होता जा रहा था और दूसरी तरफ थे सामने कई बड़े सवाल। आखिर कौन था मेघा का कातिल? कहां थी चित्रा? क्या वो जिंदा भी थी या नहीं? आ!
अब वो होश में आ गई, मैं चलता हूँ। थैंक यू डॉक्टर। चित्रा जी, आप इतने दिन कहाँ गायब थी? सर, मुझे खुद कुछ पता होगा तो मैं बताऊंगी ना आपको। सर, जो मेरी हालत है, मुझे नहीं पता कि मेरे साथ क्या हो रहा है। झूठ बोला है तुमने हमसे। झूठ? मैंने? जी हाँ, आपने कहा कि मेघा को छोड़ने के बाद आप सीधे घर आई और वहीं थी। हाँ, ये सच है जो मैंने आपको बताया। लेकिन आपके कॉल रिकॉर्ड्स के हिसाब से आप घर तो आई, लेकिन उसके बाद आप निकली थी बाहर और काफी टाइम तक उसी एरिया में रही और उस जगह से भी गुजरी थी जहाँ मेघा की बॉडी मिली। हाँ, मैं उस दिन घर आई थी, फिर बैग रखा और फिर वॉक करने चली गई। फिर जब वापस आई तब दादा का फोन आया कि मेघा घर पे नहीं पहुंची। हेलो, कमाल की बात है, आप उसी दौरान वॉक करने निकलती हैं जब मेघा का खून होता है। उस एरिया से कई बार गुजरती हैं जहां मेघा की बॉडी मिली, लेकिन ना आपने कुछ देखा ना कुछ सुना। सर, म्यूजिक सुनते हुए चल रही थी इसलिए। लेकिन आंखें तो खोलकर चल रही थी ना। जिस दिन मेघा का खून हुआ उस दिन एंग्जाइटी अटैक आया था, आप याद है? ताने ने बताया हमें जो मेघा के साथ हुआ वो शायद तेरे साथ होने वाला था। मैं हूँ लेकिन तू भी सावधान रहना, वगैरह वगैरह। तू अलर्ट हो जाना, मेघा के साथ हुआ। क्या मतलब था इस सब का? मतलब क्या होगा सर? ताने मेरी बेटी है, मेघा के साथ जो भी हुआ वो कहीं मेरी बेटी के साथ ना हो जाए, बस इसी बात का स्ट्रेस था। बहुत डर लग रहा था इस बात से। सर, मैं क्रिमिनल नहीं हूँ। अपनी दवाइयाँ टाइम पर लेती रहिएगा, कहीं ऐसा ना हो कि हम आपसे पूछताछ करने आए और आपका पता ही ना हो। मेघा के कातिल की तलाश अब भी जारी थी और मुख्य आरोपी के खिलाफ पुलिस को अब तक कोई सुराग नहीं मिल पाया था। मेघा मर्डर केस मानो थम सा गया था। 7 महीने बीत चुके थे। वहां मेघा के माता पिता शोक में जी रहे थे और यहाँ चित्रा और तान्या एक सामान्य जिंदगी जीने की कोशिश कर रहे थे। जयंत और रोशनी दोनों अपनी अपनी जिम्मेदारियां निभा रहे थे, लेकिन बदकिस्मती से जब रिश्तों में इतना तनाव, इतनी पेचीदगियां हो, तो सुकून ज्यादा देर टिक नहीं पाता। बेटी को स्कूल से पिक करने गई थी, लेकिन स्कूल में वो नहीं थी। फिर मैं घर आई वापस, फिर जैन से भी पूछा, लेकिन जैन को भी कुछ भी नहीं पता। सर, मैं हाथ जोड़ती हूँ, प्लीज किसी भी तरह मेरी बच्ची को ढूंढ लीजिए। शांत हो जाओ। कैसे हो जाओ जैन? तुम्हें याद है मेघा के साथ क्या हुआ था? मुझे बस बार बार मेघा के बारे में सोच कर। क्यों, कोई कनेक्शन है क्या मेघा के मरने और तानिया के गायब होने में? कुछ है तो बताइए। नहीं, बस अंदर से इंट्यूशन आ रही है, बहुत डर लग रहा है मुझे। अन्या, कमरे तो मेघा का कातिल अभी तक खुला घूम रहा है और उसके ठीक 7 महीने बाद उसी परिवार से तानिया गायब। कोइंसिडेंस है या? सर, अगर किडनैपिंग होगी तो कोई ना कोई रैंसम कॉल जरूर आएगा, लेकिन अगर दुश्मनी के चलते ये सब हुआ होगा तो कुछ नहीं कह सकते। बार बार मेघा की बात करके चित्रा, पंकज और सुरभि की तरफ ही इशारा कर रहे। सर, एक और पॉसिबिलिटी हो सकती है, हो सकता है कि माँ और बेटी के संबंध अच्छे ना हो। I mean, चित्रा हमेशा बीमार रहती है, शायद इसी वजह से तानिया घर छोड़ के भाग गई। तानिया के फोटो सर्कुलेट करो सारे पुलिस स्टेशन में, उसके स्कूल के आसपास और उसके घर के आसपास, शायद उसके भागने का कुछ सुराग मिले। राइट सर। अगर किडनैपिंग होती तो रैंसम कॉल अब तक आ चुका होगा। हमें लगता है कि तानिया खुद ही भागी है। लेकिन वो क्यों भागेगी? आपकी वजह से, मतलब आपकी बीमारी की वजह से या फिर? तानिया मेरी बीमारी से बिल्कुल अनजान नहीं थी और ना ही कभी मैंने छिपाया है। सर, ऐसा कोई चांस नहीं, कुछ नहीं हो सकता। तो फिर किसी पर शक है आपको? मुझे क्या देख रही, तुमसे पूछ रहे तो दो जवाब। सुन पाओगे तुम? हाँ बताओ सब कुछ। सर, मुझे शक है जैन पर। नहीं, इसकी बीवी रोशनी पर। ये सब बकवास। क्यों?
इनसिक्योरिटी थी उसे। जयंत ताने और मुझे टाइम देने लगा था, इससे भी प्रॉब्लम थी उसे। रोशनी, रोशनी सुनो तो। स्टॉप इट। तुम्हें तान्या के लिए चित्रा के टच में आना था, मैंने मान लिया। चित्रा की तबीयत खराब हुई, तुम्हें उसके और तान्या के साथ रहना था, उसकी मदद करनी थी, मैंने कुछ नहीं कहा। तुम हमारे घर से ज्यादा उसके घर में टाइम स्पेंड करते हो, तब भी मैंने मान लिया। लेकिन कब तक जयंत, और कितना सहूं मैं मान नहीं सकती कि तुम्हारा और उसका रिलेशन नहीं है। मैं नहीं सह सकती ये सब, प्लीज। रोशनी, रोशनी ऐसा कुछ नहीं है, मेरी बात तो सुनो। देखा नहीं गया सर, जयंत तान्या और मैं फिर से एक परिवार की तरह। फिर से एक परिवार की तरह मतलब आप दोनों एक साथ फिर से? हाँ। नहीं, तब पता नहीं इसके दिमाग में क्या चल रहा है, क्यों ऐसी बकवास कर रही है। सर रोशनी इस टाइप की औरत है ही नहीं कि किसी को, इनफैक्ट शक तो पंकज और सुरभि में होना चाहिए। क्यों? चित्रा ने ही मुझे बताया था कि सुरभि आई थी उसे धमकाने के। ये सही है? अब मैं तेरे को छोड़ूंगी नहीं, तू नहीं मेरी मेघा को। मैंने क्या बोल रही हो? जब पुलिस को तेरे पे शक हुआ तो भाग गई, और अब माहौल का माहौल जमा नहीं तो बीमारी का नाटक करके वापस आ गई। बहनी तो पहले शांत हो जा। मेरी पुलिस दादा बहनी क्या बोल रही है ये? छोड़ मरने दे उसको, पुलिस अपना जांच कर रही है ना। चल। इस बार तो नाटक करके तू बच गए, लेकिन अगर मुझे इंसाफ नहीं मिला ना तो छोड़ूंगी नहीं तेरे को। मेरे बच्चे को तो मुझसे दूर कर दी, तुझे भी तेरी औलाद का सुख मिलने नहीं दूंगी। अच्छा, उस दिन तानिया के बारे में कुछ अजीब बात नोटिस की आपने? जी सर। क्यों? एक्चुअली वो रिसेस के बाद अपने घर चली गई थी ना, स्कूल ऑफिस में फोन आया था, एंड आई थिंक वो फोन पुलिस का ही था। पुलिस का फोन? जी सर, उसकी मदर को कुछ हुआ था, उसके फादर उसे लेने आने वाले थे, हमें लगा इमरजेंसी है तो जाने दिया, और उसके बाद तो वो स्कूल भी नहीं आई। आपके स्कूल ऑफिस का नंबर दीजिए। सर ये रहे चित्रा के फोन ट्रायंगुलेशन रिकॉर्ड। सर रिकॉर्ड के हिसाब से कंफर्म होता है कि चित्रा उस दिन घर पे ही थी। सर मैं जयंत के ऑफिस में पूछताछ की, उससे पता चलता है कि वो भी उस दिन ऑफिस में ही था। सर अब बात आती है स्कूल में आया उस कॉल की। सर ड्रेस किया तो पता चला है किसी पीसीओ का नंबर है। आसपास इंक्वायरी की लेकिन किसी ने भी कुछ अजीब बात नोटिस नहीं की। मतलब किसी ने तानिया के स्कूल में पुलिस के नाम से फेक कॉल किया उसे बाहर निकालने के लिए, कोई ऐसा जो चित्रा की बीमारी के बारे में जानता था। सर अब तो ये किडनैपिंग केस बनता जा रहा है, और मेघा का मर्डर केस अभी भी ओपन। एनीवे पहले पंकज सुरभि और रोशनी तीनों से पूछताछ करें, इससे पहले कि तानिया को कुछ हो जाए उसे ढूंढ निकालना होगा। जयंत के ऊपर तान्या की जिम्मेदारी है, चित्रा की तबीयत ठीक नहीं थी इसलिए गया था वो उसके पास। लेकिन सर इसका ये मतलब नहीं कि चित्रा और उसके बीच कुछ चल रहा है। अगर इतना ही विश्वास है जयंत पर तो चित्रा के घर तमाशा करने क्यों गई थी आप? क्योंकि उस दिन हमारी मैरिज एनिवर्सरी थी, और मेरे साथ टाइम स्पेंड करने के बजाय जयंत पूरा दिन तान्या और चित्रा के साथ। मेरी जगह कोई और होता तो उसे भी इतना ही गुस्सा आता सर। अब मैं क्या करूं, किसका नाम लूं? रोशनी पे शक था, उसके बारे में बता दिया। सुरभि बहनी ने आके धमकाया था, वो भी बता दिया आपको। अब सर मुझे कुछ नहीं पता। लेकिन सुरभि और पंकज तो खुद जो कुछ मेघा के नाम है वो तान्या के नाम करना चाहते। सुरभि ने और मैंने डिसाइड किया था कि जो भी कुछ मेघा के नाम था वो सब तान्या के नाम कर देंगे। तान्या के लिए ये सब क्यों करेंगे वो लोग? सर मैं आपको बताती हूँ कि सच क्या। हाँ हम मिले दादा के। अच्छा, तान्या को गोद लेना चाहते हो आप लोग, है ना? सुन चित्रा, ये तेरी लॉ की प्रैक्टिस या तेरी शादी नहीं, समझी क्या? कि जब चाह अपना लिया, जब चाह छोड़ दिया, कल को तेरा उससे भी मन उब जाएगा, कहां फेंकेगी तू तान्या को? इना दादा, बस करो अपनी बकवास। रही बात तान्या की ना, तो तान्या मेरे ही पास रहेगी, अपने माँ के पास। आज तक मैंने अपनी बीमारी के लिए किसी को भी जिम्मेदार नहीं ठहरा, लेकिन उस दिन जो मुझे अटैक आया था वो सिर्फ और सिर्फ दादा और वहनी की उसी बकवास की वजह से आया था, और वही सब सोचते सोचते मैं मार्केट तक निकल गई, और फिर मुझे एंग्जायटी अटैक आया। हम लोग तान्या को गोद लेना चाहते थे, उसके प्यार से परवरिश करना चाहते थे, हमने उसको कुछ नहीं किया, हम लोग क्यों करेंगे ऐसा? क्योंकि गुस्सा था आपको कि उसे गोद नहीं ले पाए, और इसीलिए उसे चित्रा से अलग भी कर दिया। नहीं सर, ऐसा कुछ नहीं है। क्या है और क्या नहीं है वो तो हम देख लेंगे। आखिर कहाँ थी तान्या?
किसने उसे कैद कर रखा था और क्यों? अकेली भूख प्यास से तड़पती क्या उसका बचना मुमकिन था? मेघा के कातिल की तलाश मई 2016 में शुरू हुई थी और 8 महीने बाद यानी कि 16 दिसंबर 2016 तक ये रहस्य अनसुलझा था। चित्रा के साथ हुई घटना के बाद जयंत का भी चित्रा के घर आना जाना बढ़ गया और उसके पड़ोसी ने भी बताया था कि उन्होंने किसी आदमी को चित्रा के घर के आसपास आते हुए देखा। सर हो ना हो ये जयंत ही हो सकता है। हमने ये जयंत और चित्रा का रिश्ता अभी भी क्लियर नहीं हो रहा। जयंत अगर चाहता तो फिर से चित्रा के साथ रहता। पहले भी वो तानिया की कस्टडी का केस कोर्ट में हार चुका है। जब चित्रा गायब हुई तब उसने बहुत कोशिश की तानिया को अपने साथ ले जाने की, लेकिन चित्रा अचानक वापस आ गई। जब बहलाने फुसलाने से बात नहीं बनी तो उसने तानिया को अब्डक्ट कर दिया। पॉसिबिलिटी है सर। व्हाट सर, मुझे समझ में नहीं आ रहा कि आप लोग ऐसा सोच भी कैसे सकते हैं। पहले सिर्फ पूछताछ की थी तुमसे, लेकिन अब तुम एक सस्पेक्ट हो और अगर अब मुंह नहीं खोला ना तो दूसरे तरीके भी हैं हमारे पास। सर मैं उन दोनों के साथ समय बिताने लगा चित्रा के लिए। सर मुझे चिंता थी उसकी और जब मैं वहां रह रहा था तो हमारे बीच में फिर से संबंध बना। चित्रा जानती थी कि हमारे बीच में सब कुछ पहले की तरह होना इम्पॉसिबल था, फिर भी वो मेरे साथ एक फैमिली की तरह रहना चाहती थी, फिर से शादी करना चाहती। मैं रोशनी को छोड़ नहीं सकता था और ये बात उससे बर्दाश्त नहीं हो रही। सर आप जानना चाहते हमारी शादी क्यों टूटी थी? क्योंकि उसका अफेयर चल रहा था अरविंद नाम के आदमी के साथ और इस बार भी वो उसी के पास गई थी। हेलो अरविंद, मेरे घर आओ आप ही। सर उन दोनों के बीच में क्या चल रहा है या क्या करना चाहते हैं इससे मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं। प्रॉब्लम है तो उस आदमी के तानिया के आसपास होने से। सर मैं किसी को ट्रस्ट नहीं कर सकता। सर अरविंद सुधीर केस की मिसिंग लिंक हो सकता है और सर जयंत को भी उस पर शक है। चित्रा के जरिए तानिया तक भी पहुंच सकता है और सर तानिया भी उसे अच्छी तरह जानती है। सर हो ना हो ये अरविंद सुद इस केस में इन्वॉल्व है। कमले इस अरविंद सुद के एंगल को फॉलो करो, मैं मेगा मर्डर केस को परस्यू करता। जिस तरह अरविंद तानिया के गायब होने में मिसिंग लिंक हो सकता है वैसे शायद मुझे लगता है कि मेघा के मर्डर की मिसिंग लिंक मिल गई। देशो नंबर दे रहा हूँ, उसके कॉल रिकॉर्ड निकाल। चित्रा के डाइवोर्स के बाद से तुम उसी के साथ थे ना? नहीं नहीं सर, उसको तो काफी टाइम हो गया। जब उसका डिवोर्स हुआ था तब कुछ टाइम के लिए मैं उसके साथ रहा था, फिर मैंने उसे क्लियर कर दिया कि मुझे बच्चों की रिस्पांसिबिलिटी अभी नहीं लेनी और तान्या का फादर बनने में मुझे वैसे भी कोई इंटरेस्ट नहीं था। सर चित्रा को ये बात जमी नहीं और वही रिलेशनशिप खत्म हो गई। सर ये किसका नंबर? ये मेरे भाई क्षितिज का नंबर है, लेकिन उससे बात करने में क्या प्रॉब्लम है? प्रॉब्लम उस टाइम और जगह में है जहां से उसने आपसे बात की थी। टाइम जब मेघा का खून हुआ था और जगह जहां मेघा की बॉडी मिली। ये क्या कह रहे हैं सर आप? कौन मेघा? मुझे नहीं पता ये मेघा कौन है। लेकिन तानिया को तो जानती है, जो आपके लिए रुकावट बन गई थी क्योंकि उसके होते जयंत आपके साथ कोई बच्चा नहीं चाहता था। नफरत होती होगी ना उससे? तानिया ने भी बताया एक बार दौरा पड़ने पर चित्रा बड़बड़ा रही। उस समय हमें लगा था कि शायद चित्रा का वहम या डर होगा, लेकिन उसी से हमें सूझा कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि शायद मर्डर तानिया का प्लान था और गलती से मेघा इसमें फंस गई। और इसी बात को कंफर्म करने के लिए हमने तुम्हारे भाई क्षितिज को गिरफ्तार किया और उसने सब कुछ उगल दिया। तंग आ गई थी मैं, तान्या तान्या तान्या। मेरे भी सपने थे सर, बच्चा चाहती थी मैं जयंत के साथ, जयंत को खोना नहीं चाहती थी, इसलिए मैंने सोचा कि तान्या को मरवा देती हूँ। वो तो मेघा गलती से बीच में आ गई सर। उस दिन रिक्शे से तान्या पहले उतर गई। और क्षितिज ने तान्या की बजाय गलती से मेघा को मार दिया। और तब की गई हो गलती को अब सुधारा तुमने तान्या को गायब करके। बताओ कहाँ है वो? सर मैंने कुछ नहीं किया। मेघा के जाने के बाद मेरी लाइफ में इतनी भर सी शांति नहीं मिली है मुझे। वो तो मेघा का मैटर दब गया, मैं बच गई, तो फिर मैं ये सब क्यों करूंगी सर? जब तक ये सच नहीं बोलती है मारो इसे, देखते हैं तानिया कैसे नहीं पड़ी। सर सर मैंने तानिया आखिरकार मेघा के कातिल का पता चल गया।
लेकिन लाख कोशिशों के बावजूद भी पुलिस ये साबित नहीं कर पाई कि रोशनी नहीं तान्या का अपहरण भी किया था। एक तरफ तान्या का अपहरण करने वाला आजाद था और दूसरी तरफ तान्या जिंदगी और मौत के बीच जूझ रही थी। अरविंद और विनय, आपको लगता है कि तान्या को गायब करने में उनमें से किसी का हाथ हो सकता है? मैं बस फिर से शादी करना चाहती थी, इसलिए कुछ रिश्तेदारों के और दोस्तों के थ्रू अरविंद और विनय से मिली थी। आगे कुछ हुआ नहीं इसलिए मैंने बताया नहीं। किसी पर शक है आपको? विनय सर, वो हमेशा तान्या पर बुरी नजर रखता था, इसलिए मैंने उससे मिलना छोड़ दिया। पर वो औरत अजीब, उसने उसके पहले वाले पति जैन को झूठ बोला कि मैं उसकी बेटी तान्या उस पर बुरी नजर डाल रहा था। उस जैन ने मेरी ये हालत की और ये सब सिर्फ उसने इस वजह से किया है कि उसको जयंत से अटेंशन चाहिए था। जयंत की सिंपैथी पाने के लिए उसने सुसाइड करने की भी कोशिश की थी। अरे सर, वो अब भी जयंत से ही प्यार करती है। सर, मैंने ये सब जयंत के लिए नहीं किया, और मैं जयंत को विनय के बारे में बता दी भी तो क्या बताती? आखिर तान्या जयंत की भी तो बेटी है और मेरा जयंत से कोई लेना देना नहीं था। मुझे बिल्कुल नहीं पड़ी थी जयंत की, लेकिन मुझे नहीं पता था कि जयंत विनय को इतना मारेगा। हमें पता चला है कि आपने सुसाइड करने की कोशिश की। बस थोड़ी डिप्रेशन में थी और उस रात लगा जैसे कि सुसाइड के अलावा और कोई ऑप्शन नहीं है। लेकिन आपको लगता है कि तान्या इसकी वजह से भागी? हो सकता है वो ये सब देखकर डर गई, या फिर शायद कहीं अपने आप को इस सब के लिए दोषी मानती। कुछ कहा तो उसने आपसे? नहीं, कुछ भी नहीं। सर, मैंने तान्या के स्कूल में टीचर्स और बाकी के स्टूडेंट से भी बात की। सर, उनमें से किसी को भी नहीं लगता कि तान्या को अपनी माँ चित्रा से कोई प्रॉब्लम। और किस किस के टच में थी तान्या? सर, और किसी के नहीं, बॉयफ्रेंड वॉयफ्रेंड का भी कोई चक्कर नहीं। कमले, जिस दिन मेघा का खून हुआ तान्या ऑटो से बीच में ही उतर गई किसी ट्यूशन के लिए। हाँ सर, मैथ्स की ट्यूशन के लिए। तान्या की कजिन मेघा के डेथ के बाद में चित्रा बहुत डरने लगी थी, उसके बाद में उसे मैनेज करना बहुत मुश्किल हो गया था। चित्रा को? नो, तान्या नशा करने लगी थी। सर, मैं कई सालों से पढ़ा रहा हूँ, जब कोई बच्चा नशा करके आता है तो पता चल जाता है, इसलिए देखते ही पता चल गया था कि तान्या नशा कर रही है। मतलब अपनी माँ के सुसाइड के बाद से ही तान्या ड्रग्स लेने लगी थी। कमले, इस बात को कंफर्म करना पड़ेगा, उसके स्कूल में पूछताछ करो, शायद इस बात को दबाया जा रहा है। राइट सर। नो सर, इम्पॉसिबल, हमारा कोई बच्चा ड्रग्स नहीं लेता। इनफैक्ट हमारे स्कूल में टाइम टू टाइम हेल्थ चेकअप्स होते हैं, तो अगर ड्रग्स लेने जैसी कोई भी बात होती तो हमें पता चल जाता। ड्रग्स? लेकिन कैसे सर? सर, ये पॉसिबल ही नहीं। देखिए, उसका गायब होना इस ड्रग्स के एंगल से जुड़ा हो सकता है, हमें ये बात कंफर्म करनी पड़ेगी। लेकिन कैसे? तान्या का रूम कहाँ? आइए सर, ये तान्या का कमरा है। मुझे विश्वास नहीं हो रहा है सर, मैंने एक सेकंड के लिए भी कभी तान्या को अपनी नजरों से ओझल नहीं होने दिया, फिर ये ड्रग्स वगैरह सब कहाँ से? कमले, इसे फॉरेंसिक में भेजो, बालों की टेस्टिंग होगी। राइट सर, तान्या के बालों को जिस फॉरेंसिक लैब में भेजा था ये वहाँ के डॉक्टर। सर, तान्या के बाल टेस्ट किए हमने, बालों के ऊपर के 1 सेंटीमीटर के हिस्से में लॉर्जेपैम मिला, जो कि एक किस्म का ड्रग है, क्योंकि बाल औसतन 1 सेंटीमीटर पर मंथ की तेजी से बढ़ते हैं, मतलब तान्या करीब 1 महीने से ये ड्रग छोटे छोटे हिस्सों में ले रही होगी। ये ड्रग्स लिया कैसे जाता है, पाउडर या इंजेक्शन? ये दवाइयों में होता है और मेडिकल शॉप से खरीदा जा सकता है। किस तरह की दवाई? एंटी डिप्रेशन, एंग्जाइटी, इस तरह की दवाइयों में। किस तरह की दवाई? रिडिक्यूलस, क्या कह रहे हैं आप? अरे आप सोच भी कैसे सकते हैं कि मैं अपनी बेटी को खुद? आपने बॉक्स पर देखा क्या लिखा है? कीप आउट ऑफ रीच ऑफ चिल्ड्रन। मैं पागल नजर आती हूँ आपको? तान्या टैबलेट्स लेती थी और ये साबित भी हो चुका है। क्यों देती तुम इसे टैबलेट? मुझे क्या पता, छिपके लेती होगी। लेकिन खरीदती तो तुम ही थी ना, जबकि तुम वो टैबलेट्स लेती भी नहीं। तुम्हारे साइकेट्रिस्ट से बात की हमने। दैट्स नॉट पॉसिबल, ये टैबलेट वो क्यों लेगी? पर चित्रा ये टैबलेट लेती है और आप ही ने उसे प्रिस्क्राइब किया। हाँ, किया था, लेकिन 1 साल पहले। 1 साल से तो मैं चित्रा को दूसरी टैबलेट प्रिस्क्राइब कर रही हूँ जो काफी माइल्ड है, और ये जोल्पिडेम ये बहुत ज्यादा स्ट्रांग है, इसको तो मैंने कब के बंद करवा दिए थे। फिर भी तुम वो टैबलेट्स खरीदती थी। क्यों खरीदती? वो तनु को डिप्रेशन और एक्साइटी हो रही थी। झूठ मत बोलो।
स्कूल से आने के बाद तुम उसे वो टैबलेट देती थी। उसके ट्यूशन टीचर का बयान है हमारे पास। चित्रा, अब बच के भागने का कोई रास्ता नहीं, इसलिए सच सच बोलो। बोलो। क्योंकि मैं चाहती थी कि वो मर जाए। मैं जानती थी कि इन दवाइयों के ओवरडोज से आदमी मर सकता है, इसलिए मुझे इससे बेहतर तरीका और कोई नहीं लगा। मुझे लगा कि लोगों को लगेगा लड़की नशा करती थी, लेकिन नहीं, मेरी सारी कोशिशों के बाद भी वो नहीं मरी। फिर मैंने डिसाइड किया कि मैं उसे लॉक कर दूंगी, खाना पीना नहीं दूंगी, दम घुटेगा और मर जाएगी। कहाँ रखा उसे? बोलो कहाँ रखा है? पुराने ऑफिस में। कहाँ है? दादा को निराश, बाबा को भी निराश किया, मां नहीं बन पाई, वहां भी नाकामयाबी। जयंत को तो पहले ही खो चुकी थी मैं, लेकिन जब जयंत हम लोगों के साथ दोबारा समय बिताने लगा तो मुझे लगा था कि शायद सब कुछ पहले जैसा हो जाएगा, फिर से मेरा एक परिवार फिर से इकट्ठा हो जाएगा, मुझे फिर से एक परफेक्ट फैमिली मिलेगी, लेकिन नहीं, फिर वहां भी फिर। ये तान्या ही रोक रही थी मुझे, क्योंकि मैं तो अपनी नई जिंदगी शुरू करना चाहती थी। तान्या के रहते ये पॉसिबल ही नहीं था, किसी के पास छोड़ भी नहीं सकती थी उसे। नहीं तो फिर वही दादा, वही नहीं जैन, रोशनी के सामने फिर हार जाती। नहीं चाहती थी मैं ये हार, ये फेलियर मोड नहीं चाहती थी। फिर मैंने डिसाइड किया कि अगर अपनी जिंदगी मुझे नई सिरे से शुरू करनी है तो फिर इस तान्या को अपने जीवन से हटाना होगा। इसलिए उस दिन मैंने फोन घर पे छोड़ा और तान्या को बाहर से एक फेक कॉल किया। उसके स्कूल में उसे फोन करके स्कूल से बाहर बुलाया और फिर अपने ऑफिस ले गए। तू यहाँ पे बैठ। मैं तनु, प्लीज बेटा, मैं कोई रिस्क नहीं लेना चाहती तेरे लिए। मैं तुझे नहीं खो सकती, तू जानती है ना, मम्मा पे ट्रस्ट है ना। जल्दी आना मम्मा। लेकिन माँ नहीं लौटी। जिस बेटी ने अपनी गुमशुदा माँ को ढूंढने के लिए जमीन आसमान एक कर दिया, उसी बेटी को उस माँ ने मरने के लिए छोड़ दिया। लेकिन तान्या ने आखिरी दम तक अपनी माँ पर भरोसा किया। चित्रा दुनिया को दिखाना चाहती थी एक पूरा परिवार सुखी परिवार। अपनी बेटी की अकेले परवरिश करने पर उसे गर्व महसूस होने की बजाय निराशा महसूस हुई। ये कौन सी कामयाबी है जिसकी फिराक में उसने अपनी ही बेटी की हत्या कर दी? कामयाबी होती है अपनों के प्यार और विश्वास में, पूर्णता होती है अटूट रिश्तों में, और परफेक्शन पाया जाता है सुकून और संतुष्टि में। इसी विचार के साथ अब मैं अनूप सोनी आपसे विदा लेता हूँ। फिर मुलाकात होगी अगले एपिसोड में एक और चौंका देने वाले केस के साथ। तब तक अपना और अपने परिवार का ख्याल रखें और देखते रहें क्राइम पेट्रोल डायल 100 सबक एक को सीख हम सबको। जय। फॉर मोर अपडेट्स सब्सक्राइब टू आवर चैनल, क्लिक द शो लिंक्स एंड एंजॉय वॉचिंग द वीडियोज़।